स्टेटमेंट को जरा सोचना शुरू करते हैं ऐसे करके कि ये डिसीजन मेकिंग है क्या, कॉमा ऑपरेटर है, क्या नाम है उस ऑपरेटर का? नहीं वो तो वो जो कॉमा वाला ऑपरेटर है ना कॉन्सोल के अंदर, वो जब आपको पता चलेगा कि क्या चीज है। ये दोस्त कह रहे हैं कि कॉन्सोल के अंदर अगर मैं एक वैल्यू देता हूँ कॉमा डाल के दूसरी वैल्यू देता हूँ तो चल जाता है, दोनों को कॉन्सोल कर देता है। तो ये कॉमा जो है ना असल में ये है आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये कॉन्सोल डॉट लॉग एक फंक्शन है और ये पहला आर्ग्यूमेंट है, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ये जब हम फंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे ना तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं और वो कॉमा सेपरेटेड करके हम उसको पास कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑपरेटर नहीं है, अब लेफ्ट टू राइट चल रहा है, नहीं वो तो असल में फंक्शन, अभी मैं आपको वो सही वाला बताऊंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये लेफ्ट टू राइट है या क्या चक्कर। इसमें लेफ्ट टू राइट वाला केस नहीं है, ठीक है। डिपेंड तो करता है सीक्वेंस पे, बट वो फंक्शन का पूरा टॉपिक है, वो हम फ्रॉम स्क्रैच पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है, फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। वेल तो हम इस पर वापस आ जाते हैं। अच्छा तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यार हम रियल लाइफ में ना डेली बेसिस पे बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, सही है। अच्छा मिसाल के तौर पे आज आप जब घर से निकल के आ रहे थे यहाँ पे क्लास लेने तो आपने एक डिसीजन लिया होगा कि मुझे आज जैकेट लेके निकलना चाहिए या नहीं, ठीक है। या इसको और सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं कि मुझे आज कौन से कपड़े पहनने चाहिए, ये एक डिसीजन है। अच्छा आज आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा टी शर्ट पहन कर आया हूँ लाइट से बिल्कुल, तो कुछ अरसे पहले तक तो मैं जैकेट पहन के बैठा होता था यहाँ, है ना, पिछले 15 दिन पहले तक सर्दियाँ थी तो मैं रोज़ घर से निकलने से पहले ना देखता था कि अच्छा यार मैं जब वापस आऊँगा, क्योंकि मैं घर से निकलता हूँ शाम को 4 बजे या 5 बजे और वापस जाता हूँ मैं 12-12:30 बजे तक रात को, हाँ। तो मैं अब जल्दी से मैं निकलते हुए देखता था कि यार आज रात को 11:59 पे क्या टेम्परेचर होगा, क्योंकि 12 वो समझता नहीं है, 12 उसको समझता है कि वो पता नहीं कब की बात हो रही है। यह मैं वैसे ही पूछता कि यार व्हाट वुड इज द टेम्परेचर आफ्टर 6 आवर्स फ्रॉम नाउ, ऐसे भी समझ आ जाता है उसको। तो मैं जल्दी से सीरी से पूछ के ना ये या गूगल असिस्टेंट से पूछ के फिर मैं डिसाइड करता था कि अच्छा यार जैकेट बैग में रखनी है या पहन के जाना है, या मुझे जैकेट लेनी भी है या नहीं लेनी है। अच्छा तो मैं देख रहा हूँ आप सब लोग ज़्यादातर जो है आज लाइट वेट कपड़े पहन कर आए हुए, लाइट टी शर्ट्स पहनी हुई है, ये आपको पता भी नहीं चला लेकिन आपके ब्रेन ने घर से निकलते हुए ये डिसीजन आपके लिए ले लिया। कैसे ले लिया, कैसे पता चला ब्रेन को कि आज सर्दी नहीं है या आज गर्मी नहीं है? फील हो जाती है गर्मी, है ना, सुबह उठते ही आपको, अगर आप कह रहे हैं यार पंखे को तेज़ करो ज़रा, तो आपको सुबह से ही पता है कि यार आज गर्मी है, आज ठंड नहीं होने वाली, ठीक है। तो आपको पता है कि यार अभी गर्मी है तो शाम तक शायद थोड़ा सही हो जाए मौसम, ठंड तो नहीं होने वाली, या मे भी एहतियातन चेक किया, मैं तो एहतियातन चेक कर लेता हूँ। अच्छा फिर वो आपकी बॉडी की एक ट्रेनिंग भी हो रही है कि अच्छा यार एक हफ्ते पहले तक क्या था और अभी क्या हो रहा है, डेली बेसिस पे आप ज़रा बाहर निकल रहे हैं तो आपकी बॉडी की एक ट्रेनिंग हो रही है। तो मिसाल के तौर पे एक दिन आप जैकेट पहन के निकले, आपने कहा यार बेकार ही जैकेट पहन के आ गया आज, तो बस अगले दिन आपके पास वो डेटा है कि अच्छा यार जैकेट का दिन ख़त्म हो गया। तो ये तो एक ह्यूमन बॉडी है, ये डिफरेंट तरीके से चलती है, कंटिन्यूस डेटा मिलता है। लेकिन प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्रामिंग में आपके पास जो इनपुट होता है वो हमेशा क्या होता है, यूज़र इनपुट होता है। अच्छा प्रोग्रामिंग में भी इनपुट मोस्ट ऑफ द टाइम सेम तरीके से मिलता है जैसे एक ह्यूमन बॉडी को मिलता है, लेकिन जाहिर है हमेशा ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे जैसे टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर के सेंसर से या तो टेम्परेचर का डेटा आ रहा होता है, आपकी प्रोग्रामिंग को मिल रहा होता है, लेकिन वो एडवांस चीज़ें हम उसको डिस्कस नहीं करते। अभी हम ये अज्यूम करेंगे कि यूज़र इनपुट देगा हाथ से कि भाई ये इनपुट है, जैसा कि आपने जब कैलकुलेटर की ऐप बनाई थी तो आपके पास 2 इनपुट थे, नंबर 1 नंबर 2, और उन दोनों को आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता था। अच्छा तो दुनिया की आप जितनी भी ऐप बनाएंगे अब उसमें असल में क्या हो रहा होता है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का मॉडल होता है, ठीक है। इसको IPO मॉडल भी कहते हैं गालवन, अगर मैं जल्दी से सर्च करूँ ना, इसका कुछ नाम होता है, IPO मॉडल नाम होता है,
हाँ ये रहा इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। कहते हैं कि यार हमेशा ना जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, ये इसने बता दिया, द इनपुट आउटपुट प्रोसेस मॉडल इनपुट प्रोसेस आउटपुट पैटर्न इज वाइडली यूज्ड अप्रोच इन सिस्टम एनालिसिस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो ये एक मॉडल है, ये मॉडल आपको दुनिया के हर सॉफ्टवेयर में ये मॉडल अप्लाई होता है। तो हमने इनपुट लेना थोड़ा सा सीखा, थोड़ा सा और सीखेंगे, एक क्लास आपकी होगी अभी दरमियान में जिसमें हम फॉर्म के ज़रिए इनपुट लेना सीखेंगे, क्योंकि HTML तो पूरा पढ़ चुके हैं, है ना, HTML के फॉर्म से। तो एक्चुअल में आपको जितनी भी वेब एप्लीकेशंस होती हैं उसमें इनपुट जो आपको मिलता है वो फॉर्म से मिलता है, ठीक है, या प्रॉम्प्ट से भी मिल सकता है जो हमने भी लगाया, नॉट अ बिग डील। प्रॉम्प्ट को बहुत कम यूज़ करते हैं बाय द वे, आप उसको प्रोसेस करते हैं उस इनपुट को, अच्छा, और आप आउटपुट दिखाते हैं वापस स्क्रीन पर, ठीक है। अच्छा, तो इनपुट लेना हम सीख चुके हैं, आउटपुट दिखाना हम सीख चुके हैं, थोड़ा सा और सीखेंगे, एक 15 मिनट की इस पर और डिस्कशन रह गई है इनपुट आउटपुट वाले पे। बाकी पूरा का पूरा जो प्रोग्रामिंग आपकी होगी, पूरा का पूरा जो जावास्क्रिप्ट होगा, वो उस इनपुट को प्रोसेस करने के ऊपर आप डिस्कस कर रहे होंगे अभी हम जो भी आगे पढ़ रहे हैं। अच्छा, पहला उसमें से इफ़ ये हमने आज पढ़ना है। अच्छा, तो अब उस आए हुए इनपुट को किस किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है उसके साथ, वो सब अब आगे सीख रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहला काम, यानी इफ के अंदर जो हम सीखेंगे कि उन दो आउटपुट्स को, जो दो इनपुट को जो यूजर ने दिया है, उसको कंपेयर करना आपस में, वो इफ में सीखेंगे। मिसाल के तौर पे एक हम छोटी सी अगर ऐप बना रहे हैं, ये टेम्परेचर की हम मिसाल लेते हैं, जो ये बता दे मुझे कि यार आज गर्मी है या नहीं है, है ना। अच्छा, क्या होगा उसमें, एक प्रॉम्प्ट लेंगे हम यूज़र से, हम कहेंगे यार जो भी टेम्परेचर है ना अभी वो एंटर कर दो, यहाँ जो भी टेम्परेचर है वो एंटर कर दो। अच्छा, फिर हम कहेंगे कि इफ टेम्परेचर इज मोर देन 30 सेंटीग्रेड, है ना, सेंटीग्रेड में इनपुट हम लिखेंगे कि यार सेंटीग्रेड में दे रहे हैं इनपुट। तो हम कहेंगे कि इफ जो इनपुट मिला है इज ग्रेटर देन 30, तो इसका मतलब है कि गर्मी है। अच्छा, अदरवाइज हम कहेंगे कि यार गर्मी नहीं है, तो ये काम करेंगे इफ से। जैसा कि आपने ये निकलते हुए किया था ना आज, कि आपने सोचा था कि अच्छा जैकेट चाहिए या नहीं, अच्छा तो असल में आप ये पूछ रहे हैं कि सर्दी है या नहीं है, तो आपके दिमाग ने क्या बोला कि यार अगर ठंड लग रही है, या जो भी आपके ब्रेन ने एक पैरामीटर सेट किया हुआ है कि अच्छा इतने से कम पे हम समझते हैं कि सर्दी है, अगर उसको हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें, मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे केस में जब 20 से कम होता है सेंटीग्रेड तो मुझे जैकेट चाहिए होती है बैठे हुए, सही है। इस क्लास में तो आमतौर पे नहीं होता बैठे हुए, क्योंकि इसमें इतने सारे लोग होते हैं तो टेम्परेचर खुद ही से कम वो हो जाता है, तो यहाँ पे आते ही जैकेट उधार देता हूँ मैं। लेकिन अगर मैं वैसे कहीं बाहर बैठा हूँ किसी चाय के होटल वगैरह पे, कहीं पे रेस्टोरेंट में, तो बैठे हुए मुझे जैकेट की ज़रूरत पड़ती है अगर टेम्परेचर 20 से कम होगा, ये मैंने अपने एनालिसिस किया हुआ है। अच्छा, अगर मैं बाइक राइड कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, तो मुझे 25 से कम पे जैकेट की ज़रूरत होती है, सही है। अगर 26 हो गया ना तो फिर मैं बगैर जैकेट के भी चला सकता हूँ, लेकिन 25 या उससे कम अगर हुआ तो मुझे जैकेट चाहिए बाइक चलाते हुए, ठीक है। अच्छा, तुम ये समझ रहे हो, एक ये थ्रेशोल्ड सेट हुआ है, हर बंदे का ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि वो कहाँ रहता है क्या करता है, सही है। कुछ लोग ठंडे इलाके के रहने वाले तो उनको कहते हैं यार कोई मसला ही नहीं है, 17-18 टेम्परेचर तो नॉर्मल है ना, तो ये हर बंदे का एक अपना थ्रेशोल्ड होता है। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये तीन चीज़ें लगानी है कि अच्छा यार या तो गर्मी है, या तो हल्की सर्दी है, या तो तेज़ सर्दी है, तो हम कोई ना कोई थ्रेशोल्ड लगाएंगे, हम कहेंगे इफ इतने से अगर छोटा है तो ये है, इतने से छोटा है तो ये, इतने से छोटा है तो ये। अच्छा, तो जल्दी से हम इसका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाथ के हाथ बना लेते हैं। मैंने कहा 8.ES6 कंडीशन चेकिंग,
ठीक है, ES6 लिखने का रीज़न यहाँ पे ये है, जो इफ का सिंटैक्स है वो ES5 में और ES6 में कोई भी चेंज नहीं आया है, बिल्कुल सेम है। लेकिन ES6 लिखने का मतलब ये है कि ये जो हम कोड लिख रहे हैं ये लेटेस्ट है। कोई आपको कल को घेरे में ना ले ना कि यार ES6 आती है तुम्हें, आपको यार यार ES6 तो पता नहीं आती है, नहीं सही है। तो आपको कल को कोई रोब में ले, इसलिए मैंने ES6 यहाँ लिखा है कि आपको पता होगा कि भाई यही है लेटेस्ट, इसके आगे नहीं आया कुछ भी। समटाइम होता है ना वो बंदे बिला वजह में घिराई करते हैं, और नया स्टूडेंट जो होता है फ्रेश वो डर जाता है बेचारा, क्या करेगा वो। यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स भी जाते हैं ना जब नए नए, तो वो सामने से सवाल पूछते हैं, हाँ भाई फला पैटर्न आता है तुम्हें सॉफ्टवेयर पैटर्न, वो कह यार ये क्या होता है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। कहते भाई पढ़ाना चाहिए, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया तुम्हारे को, कहीं पढ़ा भी देते हैं तो वो इतना मुश्किल होता है ऊपर से निकल जाता है, बंदा डर जाता है। ठीक है, तो उस डर का नतीजा ये होता है, कहता है भाई तुम्हें जूनियर रखेंगे यहाँ पे, यही होता है उसका मतलब, ये होता है असल में कि बंदे को घेर लिया ना, डरा लिया, वो कहेंगे यार तुम तो इस काबिल नहीं हो, तुम्हें जूनियर रखा जाए, जूनियर भी नहीं रख सकते तुम, कहेंगे यार इंटर्नशिप करो यहाँ पे 3 महीने और पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, जब थोड़ा सीख जाओगे फिर पैसे देंगे, समझ रहे हो। तो इस गहराई में कोई तुम्हें ले, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ES6। अच्छा पता चले ना तुम जाओ, तुम कहो यार मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, वो कहे कि अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर तो ES6 आ गई अब, तो वो तो तुम्हें नहीं आती होगी। आप इफ लिखोगे, इफ की कंडीशन आपने लिखी ऐसे ही हो, वो कहेगा अच्छा ठीक है ये तो लिख दिया, इसको जरा ES6 में लिख के दिखाओ। सही है, अच्छा जी। तो इफ का जो सिंटैक्स है वो क्या है, इफ इंग्लिश वाला जो इफ होता है वही है। अच्छा एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा लेट यूजर इनपुट टेम्प, ठीक है, सही है। तो मैंने कहा भाई यूज़र इनपुट टेम्परेचर सी, देखो मैंने वेरिएबल के नाम को ना डिस्क्रिप्टिव रखा है, और उसको देख के समझ में आ रहा है कि एक तो यूज़र का इनपुट है और दूसरा टेम्परेचर है और सेंटीग्रेड भी शामिल कर दिया। अच्छा तो मैंने कहा कि भाई अब जो है ना इफ के अंदर अब इस इनपुट को मैंने कॉम्पेयर करना है एक नुमेरिक वैल्यू के साथ, तो मैं लिखूँगा ये यूज़र जो भी मेरा है वेरिएबल है, और मैं कहूंगा कि अगर ये वेरिएबल बड़ा है 30 से, ठीक है, अच्छा अगर ये वेरिएबल बड़ा है 30 से, अगर ये बात ट्रू है तो ये बॉडी में लिखा हुआ जो भी है ना वो चल जाएगा कोड, गर्मी का मौसम है, सही है। अच्छा फिर इसमें होता है else, अच्छा अगर ये बात ट्रू नहीं है तो इसका क्या मतलब है, गर्मी का मौसम नहीं है, सर्दी तो खैर नहीं बोल सकते क्योंकि अगर टेम्परेचर 30 से बड़ा नहीं है तो शायद 30 ही हो या 29, तो 29 तो सर्दी नहीं होती, तो नहीं हो सकता है -1 हो, लेकिन मैं यहाँ फॉर श्योर इस जुमले में मैं ये नहीं कह सकता कि सर्दी का है, मैं कहूँगा गर्मी का नहीं है, ये नहीं कह सकता कि सर्दी है, क्यों, हो सकता है 0.5 कम हो जितना मैंने थ्रेशोल्ड रखा है। अच्छा कॉन्सोल डॉट लॉग गर्मी का मौसम नहीं है, तो ये मैंने एक बेसिक जो है ना इफ स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी है। अच्छा इसको अब ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं और एक एक करके इसको हम समझते हैं कि इस पूरे कोड में लिखा हुआ क्या है। प्रोग्रामिंग जो जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग है सबसे पहले देखेगी इफ का कीवर्ड, जैसे ही उसको इफ का कीवर्ड नज़र आएगा तो वो फिर एक्सपेक्ट करेगी सामने एक पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर उसको क्या चाहिए होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है, या तो ट्रू चाहिए होगा या तो फॉल्स चाहिए होगा।
अच्छा ट्रू फॉल्स जो है उसको हम बूलियन टाइप का वेरिएबल पढ़ते हैं, शायद हमने ये अभी तक डिस्कस नहीं किया, हमने स्ट्रिंग और नंबर का वेरिएबल डिस्कस किया ना सिर्फ अभी तक। अच्छा तो एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके ना, सही है, लेट इज मैरिड ट्रू, सही है, या इज एक्टिव फॉल्स, ठीक है। ये एक बूलियन वेरिएबल इस तरह से बनाया जाता है, ये एक तो नंबर वेरिएबल पढ़ा था हमने, एक स्ट्रिंग पढ़ा था, ये तीसरी तरह का वेरिएबल है बूलियन। देखो नंबर हम वेरिएबल कब बनाते हैं, जब किसी की एज पूछनी हो, सही है, किसी से उसका अमाउंट पूछना हो कि भाई एंटर द अमाउंट, या कैलकुलेटर वगैरह टाइप की, उसमें नंबर का इनपुट चाहिए होता है। स्ट्रिंग का इनपुट कहाँ चाहिए होता है कि भाई बंदा नाम एंटर करे, ईमेल पासवर्ड वगैरह एंटर करे, उसमें स्ट्रिंग चाहिए होता है। अगर किसी से यस नो में सवाल पूछना है तो उसके लिए ना मुझे ट्रू फॉल्स चाहिए होता है यूज़र इनपुट के अंदर, ठीक है। अच्छा ट्रू फॉल्स की जगह मैं स्ट्रिंग में यस भी ले सकता था और स्ट्रिंग में भी नो ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके लिए बूलियन का एक अलग वेरिएबल बनाया गया है। इसका रीज़न ये है कि ट्रू फॉल्स जो है वो मेमोरी में सबसे कम जगह लेते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ट्रू फॉल्स सबसे कम जगह लेते हैं। स्ट्रिंग एज कंपेयर टू दिस, स्ट्रिंग और नंबर दोनों ही मेमोरी के अंदर ज़्यादा जगह लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वेरिएबल हम जितने भी बनाते हैं वो वेरिएबल रैम मेमोरी के अंदर जगह ले रहे होते हैं, सही है। इसका मतलब ये है कि मैं जो सॉफ्टवेयर लिखूंगा उसमें जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे रैम मेमोरी को वो उतना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। अच्छा कितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे वो इंशाल्लाह हम एक क्लास अभी करेंगे कि हाउ वेरिएबल गेट सेव्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, तो उसमें आपको ये पूरी डिटेल में पता चल जाएगा कि पता चले ना, आप बोले यार चार वेरिएबल बन गया पाँच बना रहा हूँ मैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 500 MB रैम ले लेंगे, है ना। तो इस चीज़ को भी क्लियर करने के लिए एक छोटी सी हमारी डिस्कशन होगी कि हाउ वेरिएबल गेट सेव्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, तो उसमें ये डिस्कस हो जाएगा कि अच्छा यार ये जो होता है ना ये वन बिट लेता है, सही है, एक ट्रू फॉल्स वन बिट लेता है। तो अगर मैंने पूछा कि इज एक्टिव, मिसाल के तौर पे फेसबुक पे आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल के अंदर कहीं ना कहीं एक इज एक्टिव लगा हुआ होगा कि भाई इस यूज़र को सस्पेंड तो नहीं किया हुआ, होता है ना फेसबुक पे प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है तो वो इज एक्टिव को फॉल्स कर देते हैं तो वो सस्पेंड हो जाती है प्रोफाइल, ठीक है। या किसी से कोई इनपुट ऐसा लेना हो कि भाई आप ओपन टू वर्क अगर हैं या नहीं है, जैसे लिंक्डइन पे आपने ओपन टू वर्क पूछते हैं वो कि यार मैं चेक लगा देता हूँ उस पर, तो वो कहते हैं अच्छा ओपन टू वर्क, ऐसे प्रोफाइल के साथ लिखा हुआ जाता है कि भाई ये बंदा जॉब के लिए एक्टिवली लुकिंग है, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी वैल्यूज़ हैं जिसमें यस नो का जवाब होता है। अच्छा तो इसमें एक कन्वेंशन भी है, कन्वेंशन ये है कि जो बूलियन टाइप के वेरिएबल होते हैं उसमें हम शुरू में लगाते हैं इज, ठीक है, और साथ में जैसे मैरिड है या इज एक्टिव तो ये लगाते हैं, साथ में हम इज लगाते हैं, इसको देखते ही समझ में आ जाता है कि ये वेरिएबल बूलियन टाइप का बना हुआ है। ये नहीं लगाएंगे तब भी वेरिएबल बन जाएगा, वेरिएबल की फंक्शनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन कन्वेंशन क्योंकि तमाम डेवलपर्स फॉलो करते हैं तो आसानी के लिए आपने भी फॉलो करना है और आपको भी, या दूसरा डेवलपर जब आपका कोड पढ़ेगा तो उसको भी आसानी हो, इसके लिए आपको फॉलो करना है। वेल तो ये बूलियन टाइप का वेरिएबल होता है, तो ये बूलियन वेरिएबल मैंने जल्दी से आपको गो थ्रू करवा दिया। बुक में जो है बूलियन का जिक्र शायद काफ़ी आगे जाकर है, लेकिन मैंने यहीं पर आपको डिस्कस कर दिया तो खैर हो गया। अच्छा तो हमने क्या देखा कि इफ़ का कीवर्ड चाहिए होता है इसको, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर उसको क्या चाहिए होता है, पैरेंथेसिस के अंदर अभी देखो क्या है, अभी मैंने ये लिखा हुआ है ना, इस जगह पे इसको क्या चाहिए होता है, ट्रू या फॉल्स। तो फिलहाल मैं अगर इसको ट्रू लिख देता हूँ इस जगह पे, है ना, बूलियन वेरिएबल चाहिए इसको यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, ठीक है, अच्छा उसके बाद इसको क्या चाहिए होता है, कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट, अभी एल्स को थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए एल्स को हटा देते हैं, ठीक है, एल्स नहीं है अभी, ठीक है। वैसे तो हमने समझ लिया कि इफ़ नहीं चलेगा तो एल्स है, लेकिन हम अभी ब्रेक डाउन करते हुए एल्स को हटा रहा हूँ मैं थोड़ी। अच्छा उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज चाहिए होता है इसको। इस कर्ली ब्रैकेट के दरमियान में एक लाइन दो लाइन तीन लाइन या 10 लाइन का कोड या 200 कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लाइन का कोड आप इसके दरमियान में लिख सकते हैं। अच्छा अगर यहाँ पे ट्रू मिलता है इसको तो यहाँ से ले कर यहाँ तक की बॉडी को ये एक बार चला देगा, अगर यहाँ पे फॉल्स मिलता है तो ये यहाँ से ले कर यहाँ तक की बॉडी को स्किप कर देगा, इसको नहीं चलाएगा, यानी इतना, इसको हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड,
ये जो करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज है इसको हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। तो इसको हम इफ का ब्लॉक भी कह सकते हैं या इफ की बॉडी भी कहते हैं, ये भी इसकी लिटरम इस्तेमाल होती है। तो ये इफ की जो बॉडी है ये सिर्फ उस सूरत में चलेगी जब क्या होगा, इसको पैरेंथेसिस के दरमियान ट्रू मिलेगा, जब चलेगी, जब फॉल्स मिलेगा तो ये नहीं चलेगी। तो इतना कोड क्या हो गया, कंडीशनल हो गया, इतना कोड मेरा क्या हो गया, कंडीशनल हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अगर मैं ट्रू दे देता हूँ और ट्रू लिखा मैंने, सेव कर दिया, मैं जब भी प्रोग्राम रन करूँगा तो ये तो हमेशा ट्रू रहेगा, ये चेंज थोड़ी होगा, ये तो चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कभी भी यहाँ पे हाथ से ट्रू नहीं लिखते, हम हमेशा यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल को कंपेयर करवा के ट्रू या फॉल्स जनरेट करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ट्रू लिखा हुआ है ना, तो अभी यूजर का इनपुट तो मैटर ही नहीं कर रहा, यूजर जो मर्जी इनपुट देता रहे, ये तो हर दफा ट्रू होएगा। तो हमेशा हम क्या करते हैं, ऐसे ट्रू कभी भी नहीं लिखते, हालांकि चाहिए इसको ट्रू या फॉल्स, कोई और चीज़ इसको एक्सेप्टेबल नहीं है इसके लिए। लेकिन हम आमतौर पर क्या करते हैं, हम ट्रू फॉल्स लिखने के बजाय हम कहते हैं वेरिएबल अगर बड़ा हो 30 से। अच्छा, ये जो दरमियान में चीज लगी हुई है ना, दिस इज एन ऑपरेटर। अच्छा, ये ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करवा रहा है, इस साइन को ग्रेटर देन कहते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो ये ग्रेटर देन का साइन है, वैसे जनरली आपका पता होगा सबको, प्रोग्रामिंग में भी इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर देन ही कहते हैं। अच्छा, ये एक बाइनरी ऑपरेटर इसलिए दोनों तरफ ऑपरेंड है कि भाई फलां को फलां से बड़ा या छोटा कंपेयर करता है। अच्छा, ये दोनों जाहिर है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर तो कॉन्कैटिनेशन हो जाती है ना, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग है और ये क्या है, एक नंबर है। यहाँ पे क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, तो ये हमेशा क्या जनरेट करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अच्छा, एक चीज़ और भी करनी है दरमियान में जो मैंने नहीं की है, क्योंकि मैं यूज़र से एक नंबर इनपुट ले रहा हूँ तो मुझे इसको स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करना होगा ना, वो मैंने नहीं किया, कर देते हैं। मैंने कहा यूज़र इक्वल्स टू, ओ सही है, मैंने इसको क्या कर दिया, जाहिर है वो लिखा तो बंदे ने 29 या 36 या 38 लिखा होगा, लेकिन वो मिलेगा कोटेशंस में, स्ट्रिंग में मिलेगा, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे इमेजिन कर लें कि 29 है और ये है 30। अब ये दोनों जब इवेल्यूएट होंगे तो हमेशा या तो ट्रू जनरेट करेंगे या तो फॉल्स जनरेट करेंगे, यानी रिटर्न करेंगे। असल में सही वर्ड ये है कि ये या ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न करेंगे, इसका मतलब ये खुद हट जाएंगे या से इसकी जगह ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। तो इस केस में क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि 29 छोटा है और 30 बड़ा है। हालांकि यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि इफ़ 29 इज ग्रेटर देन 30 देन ये चलाओ, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको कर देता हूँ 35 तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, ट्रू होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये 35 की जगह पे ऑब्वियसली क्योंकि यूज़र का इनपुट है, तो यूज़र जब जो नंबर देगा उसके अकॉर्डिंगली समटाइम ये ट्रू होगा, समटाइम ये फॉल्स होगा। अच्छा, आ जाते हैं जी, हम अब इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, ये जो मैंने बात समझाई सब लोगों को समझ आई, इफ को ब्रेक डाउन किया सब लोगों को समझ आया, अभी 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 वो तुम्हारी तरफ आते हैं, इसको पहले इतने को चला के देखते हैं। अच्छा सवाल किया तुमने वैसे, इसको कॉपी पास किया मैंने और इधर पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब ये पूछ रहा है भाई एक नंबर एंटर करो, तो मैंने कहा कि भाई 35 में चल जाना चाहिए इफ को ट्रू, एंटर। तो इसने कहा भाई गर्मी का मौसम है, चार दफ़ा इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ चार दफ़ा लिखा था, सही है, गर्मी का मौसम उसने बता दिया, ठीक है जी, चल के ख़त्म हो गया प्रोग्राम। अब इसको रिफ्रेश करूँगा मैं तो क्या होगा, अब मैं इसको बोलता हूँ 31, तो अभी भी गर्मी का मौसम आ जाना चाहिए, ओके, तो भाई गर्मी का मौसम आ गया। एक दफ़ा और इसको मैं क्लियर करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं इसको कहता हूँ कि 30, और अब मैं इसको ओके करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, 30 से बड़ा होगा तो आएगा, क्योंकि मैंने जो ऑपरेटर लगाया हुआ है, अगर दोनों 30 हो जाएंगे ना तो 30 इज़ नॉट ग्रेटर देन 30, 30 इज इक्वल टू 30 लेकिन नॉट ग्रेटर।
तो जब तक वो 31 होगा ना यहाँ इस जगह पे, जब तक 31 होगा जब तक तो ये ट्रू देगा, जैसे ही 30 या उससे कम हो जाएगा तो फिर ये फॉल्स देना शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब ये फॉल्स होता है तो ये ब्रैकेट तो स्किप हो जाती है, लेकिन कुछ तो आना चाहिए ना उसकी जगह पे, तो उसके लिए हम एल्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। एल्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ पे कि जस्ट इन केस अगर ये बॉडी स्किप होती है तो एल्स चलेगा, ठीक है। आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश किया मैंने, अब इसको मैं 30 दूंगा एंटर, तो अब ये कह रहे हैं गर्मी का मौसम नहीं है, या इसको मैं नंबर कोई भी कम से कम नंबर दे दूँ इसको, मैंने कहा कि भाई 20, तो फिर इसने बोला गर्मी का मौसम नहीं है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ -200, तो भी ये गर्मी का मौसम नहीं है बता, ठीक है। इफ एल्स समझ आ गया सब लोगों को अच्छी तरह? अच्छा, यहाँ तक तो हमारा ये इफ एल्स हो गया। अब अगली बात जो दोस्त ने पूछी थी कि भाई यहाँ पे जब ये ट्रू फॉल्स आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई ट्रू फॉल्स आ रहा है, तो उसका जवाब ये कि इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं कट करके यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, कंडीशन इक्वल्स टू, और ये यहाँ रखवा दिया। जो मैंने कंडीशन पूरी वहाँ रखवाई थी वो मैंने बाहर कर दी, तो अब इन दोनों से जो भी चीज़ इवेल्यूएट होगी वो या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, ये हम ऐसे थियोरेटिकल समझ रहे हैं। तो इसमें क्या गया, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। तो ये वेरिएबल कौन से टाइप का हुआ, बूलियन टाइप का। अच्छा, इसके शुरू में अभी इज नहीं लगाया मैंने, लेकिन बूलियन टाइप का। अच्छा, इस कंडीशन को जो है ना मैं पहले कंसोल करा देता हूँ, पहले कंसोल करा दिया और फिर इसी को फिर यहाँ पास कर दिया। अच्छा, तो यूज़र इनपुट के बिहाफ पे कभी इस कंडीशन में ट्रू और कभी फॉल्स आएगा, और वो पहले प्रिंट होगा फिर इसको मिलेगा। क्योंकि मैंने कहा था कि इफ़ एल्स को या तो ट्रू या तो फॉल्स चाहिए, तो इफ़ एल्स के लिए कोई अभी मसला नहीं है। इफ़ को एज फार एज के इफ़ को ट्रू या फॉल्स मिलता रहे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे मिल रहा है इसको प्रॉब्लम नहीं है, वो हमने बता दिया कि अच्छा यार ऐसे कंपैरिजन करके ना ऐसे आपने प्रोड्यूस कर लेना है ट्रू या फॉल्स। अच्छा, आ जाते हैं अब ये सेम चीज़ करके देखते हैं। रिफ्रेश किया मैंने कहा 35, तो ये कंडीशन में ट्रू प्रिंट हो गया, ठीक है। इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश 30, तो अब यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो गया और अकॉर्डिंगली मुझे उसका कौन सो वो भी मिल गया, एल्स वाली बॉडी चल के भी दिख गई, ठीक है। तो ये मैंने कंडीशन को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनको प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत पहले से आती है? अच्छा, कौन मुझे ये बताएगा कि अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये इफ ट्रू होगा, मतलब इसको ये क्या करेगा यार, ट्रू होगा फॉल्स होगा एरर दे देगा, क्या होगा? नहीं चलेगा। और जी ट्रू आएगा। अच्छा, एक दोस्त कह रहे हैं ट्रू आएगा और बाकी सारे कह रहे हैं कि सिंटैक्स एरर हो गई। अच्छा, किसी का कोई तीसरा जवाब है? ये मैं समझा नहीं पाता कि कैट होगा तो ट्रू आएगा बाकी में फॉल्स समझे नहीं। इसको देखो, मैंने ना सिंगल वैल्यू पास की, एक कोई कंपैरिजन कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस ये कैट है। अब अगर तो ये ट्रू होता है तो ये हर दफा ट्रू होगा, अगर तो ये फॉल्स होता है तो ये हर दफ़ा फॉल्स होगा, अगर तो सिंटैक्स एरर है तो हर दफ़ा सिंटैक्स एरर होगा, सही ना। इसमें मैंने वो कोई यूज़र से इनपुट तो लिया नहीं है। अब क्योंकि जब मैंने यूज़र का इनपुट शामिल नहीं किया तो जो चीज़ है वो फिक्स है, ठीक है। तो सवाल ये है कि ये कैट को अगर इसको मैं दे देता हूँ, कैट इसने तो बोला था कि मुझे ट्रू फॉल्स चाहिए, मैं इसको दे रहा हूँ कैट स्ट्रिंग लिटरल, तो क्या उसको ये ट्रू कंसिडर कर लेगा या फॉल्स कंसिडर कर लेगा, या उसको वो बिल्कुल ही मना कर देगा कि नहीं भाई मेरे को तो ट्रू फॉल्स ही चाहिए? ये सवाल था, ये उन लोगों से सवाल जिनको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है। जी हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा आपको थोड़ा। नहीं, इस तो वेरिएबल के नाम में होता है, वेरिएबल तो बना ही नहीं है ना, यहाँ तो लिटरल ही दे दिया मैंने। जी
सही। हाँ, बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि इफ एल्स में, असल में जैसे कि मैंने जिक्र किया कि इफ एल्स को या तो ट्रू या तो फॉल्स चाहिए होता है, लेकिन हम आमतौर पर कंडीशन देते हैं उसको, तो दोस्त कह रहे हैं कि उसको कंडीशन ही देनी पड़ेगी उसको। ऐसे अगर ट्रू भी लिख रहे हैं तो अगर आपने स्ट्रिंग में लिख दिया तो जाहिर है वो स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। अगर तो ट्रू, तो जब ट्रू होगा ना, जब ऐसे लिखा हुआ होगा बगैर डबल कोटेशन के, अगर इसको मैंने डबल कोटेशन में कर दिया तो ये स्ट्रिंग हो जाता है। तो मेरा सवाल यही है कि अगर मैं इसको स्ट्रिंग देता हूँ तो क्या ये सिंटैक्स एरर हो जाएगा या ट्रू हो जाएगा या फॉल्स? तीन ही पॉसिबिलिटी है ना, चौथी तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, एरर हो जाएगा। तो मेरे पास दो जवाब आते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रू हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंटैक्स एरर है। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं कह रहा कि फॉल्स हो जाएगा ये? ठीक है, फॉल्स का किसी ने भी नहीं कहा। अच्छा चलो, चला के देखते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, ये यूज़र इनपुट क्यों मांग रहा है? अच्छा, इसको मैंने कॉमेंट नहीं किया इसलिए मांग रहा है। ठीक है, कंडीशन इज ट्रू हो गया। हाँ नहीं, ये कैट को इसने ट्रू ले लिया ना, कैट को इसने ट्रू ले लिया। दोबारा ये लो, रिफ्रेश किया मैंने, ये आ गया, कंडीशन इज ट्रू। लाइन नंबर 43, लाइन नंबर 43 से ये कॉन्सोल आया, लाइन नंबर 43 ये रहा। ठीक है, अच्छा ये सही आया, बिल्कुल ये इसने ट्रू ले लिया उसको। अब कौन मुझे ये बताएगा कि इसने ये ट्रू क्यों ले लिया? जिनको जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत आती है, खामोशी से एक एक करके, एक एक करके। हाँ तुक्का लगाओ। अच्छा, अगर मैं कोई नंबर दे दूँ उसमें, जैसे कि 3 या चलो 0 दे देता हूँ, तो आपके लॉजिक के हिसाब से फिर ये भी ट्रू हो जाना चाहिए। ठीक है, या मैं इसको अगर एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूँ तो ये भी ट्रू हो जाना चाहिए। तो चलो मैं 0 देके ट्राई करता हूँ। 0 दिया मैंने और रिफ्रेश किया तो कोई कॉन्सोल नहीं आया, इसका मतलब है फॉल्स हुआ ये। ठीक है, इसको एल्स लगा देता हूँ ना, मैं एल्स लगा देता हूँ ताकि वो फॉल्स होने पर भी एक कॉन्सोल आए। फॉल्स आया ना, तो अब ये क्या करेगा, ये फॉल्स देना शुरू कर दिया इसमें। तो सिंगल वैल्यू वाला जो लॉजिक था वो नहीं लग रहा है इस पर, वो कुछ और लॉजिक है ये जो। जी, 0 की जगह 1 लगाऊंगा तो ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन होगा क्यों ऐसा? ट्रू हो गया नहीं, बाइनरी नहीं, तो फिर 3 को क्या लेगा ये? अच्छा, अगर मैं -3 दे दूं तो नहीं, मैं तो कुछ मतलब कुछ भी दे दूं, या कुछ मैं ऐसे कुछ हॉर्स लिख दूं, ऐसे कुछ भी बात लिख दूं, तो कोई तो लॉजिक होगी इसकी ना। ठीक है, कोई तो लॉजिक होगी ना। तो जिन लोगों को लग रहा था कि उनको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है उनको थोड़ी बहुत भी नहीं आती। अच्छा, ये बात जो है ना, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ये बात कुछ में ऐसा ही होता है जैसा इसमें हो रहा है। ठीक है, जो कुछ तो कंपाइल टाइम एरर दे देता है इसकी वजह से, लेकिन कुछ में ये हो जाता है। सी लैंग्वेज में जैसा कि अगर आपने ना 1, 2, 3 दें तो समझ लेता है उसको। अच्छा, तो इसके अंदर लॉजिक असल में ये है कि जब मैं इसको देता हूँ ना कैट, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसकी जगह नंबर भी हो सकता था, इसकी जगह कोई भी। और अभी तो हमने वेरिएबल के टाइप्स नहीं पढ़े ना, एरे और ऑब्जेक्ट भी होता है, अभी वो हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो वो भी हो सकता था। तो जावा स्क्रिप्ट क्या करता है कि यहाँ पे बूलियन चाहिए था, मिल गया है कुछ और, उसको पार्स करने की कोशिश करता है बूलियन में। ठीक है, उसको पार्स करने का क्राइटेरिया ये है कि सिर्फ 7 वैल्यूज ऐसी हैं जावा स्क्रिप्ट में जिनको फॉल्सी वैल्यू कंसिडर किया जाता है, और जब भी पार्स करने की बात आएगी ना बूलियन में तो वो फॉल्स में पार्स होगी। उन 7 वैल्यूज के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं वो तमाम की तमाम ट्रू है। अच्छा, वो 7 वैल्यूज कौन कौन सी हैं जिसको फॉल्सी कंसिडर किया जाता है? सही है, नंबर 1 एम्प्टी स्ट्रिंग, नंबर 2 0, नंबर 3
अनडिफाइंड, नंबर चार नल, नंबर पाँच मैं भी भूल गया एन ए एन, सही है, और एक दो तीन चार पाँच छः सात, दो रह गई अभी। अच्छा फॉल्स इटसेल्फ, जो लास्ट वाली बता देगा वो जावास्क्रिप्ट का चीता होगा। अच्छा ये मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ से आ रही है, सही है, फॉल्सी वैल्यूज जावास्क्रिप्ट, ये आ गया, ठीक है, ये वो चार्ट बना हुआ है छः सात वैल्यूज़ का, डॉक्यूमेंट डॉट ऑल है, ऑल है लास्ट वाले जो। अच्छा ज़ीरो के ना कोई भी वेरिएंट हो, जैसे ज़ीरो है ना वो माइनस ज़ीरो हो या पॉजिटिव ज़ीरो हो, ज़ीरो जो है वो माइनस में भी तो हो सकता है तो वो भी फॉल्स ही होगा। ज़ीरो जो है वो बिग इंटीजर में अगर हो, बिग इंटीजर का मतलब होता है, अभी ये बिग इंटीजर भी हमने डिस्कस नहीं किया कि जो न्यूमेरिक वैल्यू ना उसकी एक लिमिट होती है, अगर उससे बड़ा नंबर चाहिए तो बिग इंटीजर लेना पड़ता है हमें। वेल अभी हम ये बाद में देखेंगे, लेकिन ज़ीरो का कोई भी वेरिएंट होगा, किसी भी तरीके से ज़ीरो लिखा हुआ होगा तो वो फॉल्स ही होगा। अच्छा एम्प्टी स्ट्रिंग तीन तरीके से लिखा जा सकता है ना, डबल कोटेशन से, सिंगल कोटेशन से और बैक टिक से। बैक टिक भी हमने करके देखा, जो ES6 वाला जो तरीका है, करके देखा है बैक टिक हमने, नहीं करके देखा, चलो करके देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो तीनों तरीके से एम्प्टी स्ट्रिंग अगर होगा तो वो क्या होगा, फॉल्स ही कंसिडर किया जाएगा। अच्छा अगर इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग में ज़ीरो लिखा हुआ, बीच में एम्प्टी स्ट्रिंग ना हो, बीच में ज़ीरो लिखा हुआ स्ट्रिंग में, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रूथ ही वैल्यू हो जाएगा। अगर कैट लिखा हुआ हो, बस लिखा हुआ हो, काओ लिखा हुआ हो, तो ये सब ट्रूथ ही है। कोई भी बात लिखी हुई है, पॉइंट एक लगा हुआ है या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है एक, तो ये ट्रूथ ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी नहीं रहा, कुछ आ गया बीच में। नल, अनडिफाइन और नॉट अ नंबर, ये जो है वो तमाम ये तमाम फॉल्स ही है, ठीक है, और फॉल्स इटसेल्फ ये भी फॉल्स ही है। तो अब आपको मैं कोई भी यहाँ पे नंबर वो बात लिखूंगा ना, यहाँ पे मैं -200 ट्रू है क्योंकि ज़ीरो नहीं है ना, इन सातों वैल्यूज में से नहीं है। ज़ीरो के अलावा माइनस के जितने नंबर हैं सब ट्रू थी हैं, पॉजिटिव के जितने नंबर हैं सब ट्रू थी, ठीक है, चाहे वो पॉइंट्स में लिखे हुए हों। इवन दो कि अगर मैं 0.1 लिख देता हूँ तो भी क्या हो जाएगा, ये ट्रूथ ही हो जाएगा, सिर्फ ज़ीरो फॉल्स ही, सही है। तो इसी वजह से ज़ीरो लिखने से क्या होता है, ये फॉल्स हो जाता है। आगे देख लो, वो ज़ीरो के आगे जो एन लिखा है ना, वो ज़ीरो का ही एक क्या है, वेरिएंट है, सही है, बिग इंटीजर है। अभी वो इंशाल्लाह ये मुझे याद दिलाइएगा जब हम वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना कि हाउ डेटा गेट सेव्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, तो उसमें ये आपको पता चल जाएगा कि वो जो बिग इंटीजर है ना वो होता है, वो नंबर ही है, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, सही है। जो जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल वाला नंबर है उसमें 15 डिजिट तक का नंबर सेव हो जाता है, उससे बड़ा उसमें सेव नहीं होता। बिग इंटीजर में जो है ना, बल्कि इसको जल्दी से गूगल कर लेते हैं ना, लिमिट ऑफ नंबर एंड बिग इंटीजर इन जावास्क्रिप्ट, तो ये दोनों का ना वो आ जाएगा कि कौन सी वाली जो है ना वो ठीक है। ये बिग इंटीजर पहले नहीं था जावास्क्रिप्ट में, ये बाद में ऐड किया इन्होंने। अच्छा ये सारी डेटा टाइप्स है ना, बूलियन पढ़ लिया हमने, नल किसी भी चीज़ में अगर कोई डेटा नहीं रखवाना तो नल रखवा देते हैं तो वो चल जाता है। अनडिफाइन आपको पता है, अनडिफाइन क्या होता है, कोई वेरिएबल बना दिया आपने उसमें अभी तक कोई वैल्यू डाली नहीं है आपने तो वो अनडिफाइन होती है। लेकिन अनडिफाइन और नल ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। नल जब होता है जब आपने जानबूझ के वो कुछ नहीं रखा है, वो नल रखा है ना। मिसाल के तौर पे कोई बैंक बैलेंस है, अब बैंक बैलेंस जो या तो ज़ीरो होगा या तो कोई नंबर होगी, है ना, ये नल नहीं होगा, कोई नंबर होगा या तो ज़ीरो होगा। लेकिन कुछ इनपुट्स ऐसे होते हैं जिसमें ज़ीरो भी एक वैल्यू होती है, ज़ीरो भी क्या होती है, एक वैल्यू होती है, तो उस केस में फिर हम ज़ीरो नहीं रखवाते, फिर हम नल रखवाते, ठीक है। मिसाल के तौर पे बंदे ने एज अपनी या तो एंटर कर दी है या तो नहीं की है, तो जब तक वो एंटर नहीं करेगा एज, ठीक है, जब तक तो अनडिफाइन होगा, वेरिएबल बना दिया कुछ एंटर नहीं किया तो अनडिफाइन होगा। लेकिन अगर जानबूझ के बंदे ने बोला कि मैं नहीं बताऊंगा तो वहाँ पे नल होगा, है ना, क्योंकि हमें पता होगा कि यूज़र ने डेटा दिया है लेकिन कुछ डेटा नहीं दिया उसके अंदर,
ऐसा नहीं हुआ कि अगर तो अनडिफाइन उसको छोड़ दूँ ना मैं, तो बाद में ये अज्यूम किया जाएगा कि शायद वो किसी वजह से वैल्यू सेव नहीं हो पाई हो, है ना, ऐसे एक बात रहेगी कि यार अनडिफाइन है तो हो सकता है वैल्यू बंदे ने दिया हो डेटा सही लेकिन वो पहुँचा नहीं आज तक। तो नल हम जानबूझ के रखवाते हैं कि भाई डेटा बंदे ने दे दिया है और उसने बोला है मैं नहीं बताऊँगा अपनी एज, इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन आती है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसलिए नल और अनडिफाइन अलग अलग है। नंबर आपको पता है, बिग इंटीजर इन्होंने रिसेंटली ऐड किया है, स्ट्रिंग आपको पता है, ठीक है, बाकी ये ऑब्जेक्ट और जो है ना वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पे ना इन्होंने वो कहीं लिमिट मेंशन की भी होगी, ये रहा, ये नॉर्मल इंटीजर की जो है ना ये लिमिट है, सही, ये वाली लिमिट है इसकी, मिनिमम और मैक्सिमम की दोनों की लिमिट यहाँ पे बता रहे हैं। यार कहीं सीधे लफ्जों में बता नहीं रहा ये, कि चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। इसने सिर्फ बिग इंटीजर का ही बताया, वो नहीं बताया इसकी जो मैक्सिमम लिमिट इसने डिस्कस की है वो क्या की है, वो इसने ये की है 2 की पावर 53, ये एक्सपोनेंट में है ना, वो 2 × 10^53, ये वो वाला है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि 2 की पावर 10 × 3, वैसे वाला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो लिखते हैं। इससे इसी सवाल को थोड़ा हाउ बिग इट इज एज कंपेयर टू नॉर्मल नंबर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, द मैक्सिमम सेफ इंटीजर जावास्क्रिप्ट इज विच अप्रोक्सीमेटली 9 quadrillion। सीधे तरीके से बता नहीं रहा ये, बहुत लंबी कर दे रहा है, जो मैं नहीं पूछ रहा हूँ वो बता दे रहा है। अब इसको कड़क करके पूछते हैं, टेल मी मैक्सिमम of in one line, ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, ये यहाँ लिखा है इसने, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये तो सेम बात लिखी हुई है दोनों में, 1 2 3 5 7 this, उसको मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल, ये तो सेम बात लिखी हुई है दोनों में, इसने यहां पे जस्ट ये बात लिखी है कि बिग इंटीजर कैन रिप्रेजेंट मच लार्जर नंबर, टेल मी इन वन लाइन।
मैंने इससे पूछा कि भाई बिग इंटीजर का बता दो मैक्सिमम। अबे वन लाइन भाई, अच्छा ये है वो, इसके कितने डिजिट हम गिन लेते, उसके 15 थे गालबन, इसके डिजिट गिन लो कितने हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6 0 20 30 और 40 40 डिजिट जितना नंबर ये सेव करा सकते हैं बिग इंटीजर, ठीक है, अगर हम बिग इंटीजर बताएं तो। और अभी इसको मैं नॉर्मल नंबर वेरिएबल का भी साथ साथ पूछ लेते हैं ताकि सेम चीज आ जाए। ये इसके डिजिट भी जरा गिन लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट है ये, ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस है। अच्छा लेकिन हमें हमेशा क्या होता है, इतना बड़ा नंबर नहीं चाहिए होगा, इतना बड़ा नंबर हमें किस केस में चाहिए होगा, मतलब ये जो 15 डिजिट या 16 डिजिट का नंबर है ये भी कितना है, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000 lakh, 10 lakh crore, 10 crore, 9 quadrillion बता रहा था ना वो, अभी ये बहुत बाकी है। तो इतना बड़े नंबर की आमतौर पर ज़रूरत नहीं पड़ती बिग इंटीजर वाले की, जब लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको बनाएंगे कैसे करके, इसके लास्ट में जैसे एक छोटा सा एन लगा देंगे तो ये बन जाएगा, दैट्स इट, कोई और डिफरेंस नहीं है, ठीक, यानी डिक्लेरेशन के टाइम पे जस्ट एक एन लगा दें, चाहे वो कॉन्स्टेंट करके बना रहे हो, चाहे वो लेट करके बना रहे हो, चाहे वो वायर करके बना रहे हो, एक छोटा सा एन लगा देंगे तो बिग इंटीजर बन जाता है। वेल बड़ी मुश्किलों से जाके इसने जवाब दिया लेकिन दे दिया। अच्छा जी, तो इफ एल्स की हमने ये बात कर ली। अच्छा अब हम इफ एल्स के अंदर जो है ना तीसरी चीज़ जो पढ़ने जा रहे हैं, एक तो हमने ये पढ़ा कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर जो इफ एल्स का वो होता क्या है, यूज़र से इनपुट लेके उसको कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो शुरू में मैंने बात की थी कि इनपुट प्रोसेस और आउटपुट आईपीओ मॉडल, ये प्रोसेस वाला जो पार्ट है ना इसकी पहला स्टेप लिया हमने, कंपैरिजन इज द वन ऑफ मैनी प्रोसेसेस, कंपैरिजन इज एक प्रोसेस है, इस तरह के कई और प्रोसेस है जो अभी हम वक्तन फवक्तन पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, इसको ब्रेक डाउन किया कि ये इसका सिंटैक्स कैसे, कहाँ पे क्या चीज़ चाहिए होती है, उसकी जगह कुछ और मिल गया तो क्या होगा। फिर तीसरी बात हमने ये पढ़ी, सेकंड बात हमने ये पढ़ी कि फॉल्सी वैल्यूज़ क्या होती हैं, और इफ एल्स को अगर पार्स करना पड़ जाए किसी चीज़ को तो वो ट्रूथी और फॉल्सी देख के उसको पार्स करते हैं। अगली जो चीज़ हमने पढ़नी है वो पढ़नी है हमने चेन स्टेटमेंट, कि अभी तो भाई एक हो गया ना ये कि अगर यूज़र ने इनपुट दिया वो 30 से बड़ा है या छोटा है तो ये तो यहाँ पे हो गया। लेकिन इमेजिन करो मेरे पास तो तीन सिचुएशन है, मेरे पास सिचुएशन एक तो ये है कि 30 से ऊपर है तो मैं समझता हूँ गर्मी है, ठीक है, तो मैं पानी की बोतल वोतल लेके निकलूँगा या कुछ जो भी करता हूँ गर्मी में। अगर 30 से कम है तो मैं जस्ट ये नहीं कह रहा कि भाई गर्मी नहीं है, एक सर्टेन तक तो गर्मी नहीं है, लेकिन अगर 25 से नीचे आता है तो मुझे ये डेटा चाहिए, मेरा क्योंकि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है तो मुझे डेटा ये चाहिए कि जैकेट लेके निकलो अगर बाइक पे जा रहे हो, ये बोले वो सामने से। अच्छा लेकिन अगर 25 से मजीद कम हो जाए, अगर 20 तक पहुंच जाए तो मुझे वो बोले कि भाई सर्दी है जैकेट लेके निकलो, है ना, तो ये दो सिचुएशन और ऐड हो गई। अच्छा अगर हम इसमें एक तीसरी सिचुएशन और भी ऐड कर लें कि अगर 20 से ये और नीचे आ जाए, अगर 10 पे आ जाए तो वो मुझे बोले कि भाई सख्त सर्दी है ज़रूरी काम से लिए निकले हो, सिर्फ ऐसे नहीं निकलो, अगर 10 डिग्री पे हो जाए। अच्छा और एक सिचुएशन ऐड कर लें हम कि भाई 10 से अगर और कम चला जाए, 0 से नीचे कुछ भी हो तो वो बोले कि भाई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर नहीं जाओ, सही है, वो ये बोले और बोले और साथ में थोड़ा ये भी बताया कि घर में भी रहो, एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करो, 0 से कम पे बंदा मर भी सकता है, है ना, 0 से कम पे अगर आप बैठने उठने में या सोने में आपने एहतियात नहीं की तो आप फिर हो सकता है उठे भी ना। हाँ, क्योंकि ब्लड अगर आपका कहीं जम गया या कुछ हुआ सर्दी की वजह से, या आपके जो लंग्स में पानी, आपको पता है 70% पानी होता है बंदे की बॉडी में, तो वो पानी अगर फ्रीज हो गया किसी भी वजह से,
जीरो डिग्री की वजह से ही आप ज़मीन पे सो गए या कोई ऐसा सीन हुआ, तो वो अगर जम गया, फ्रीज हो गया, तो जाहिर है वो दिल धड़क नहीं पाएगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, तो ख़त्म गेम। हाँ जीरो को ट्रू का मानो तो अच्छा, ये अभी हम ना जब इफ का टॉपिक कवर करते हुए ना एक हम टॉपिक पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, क्योंकि अभी तो हमने कंपैरिजन का एक ऑपरेटर देखा है, अभी कंपैरिजन के ना कोई 6-7 के करीब और ऑपरेटर है, उसमें एक ऑपरेटर होता है नॉट का ऑपरेटर, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो वो आपका जवाब इंशाल्लाह वहाँ पे कवर हो जाएगा जब हम नॉट का ऑपरेटर पढ़ेंगे। नॉट का ऑपरेटर क्या करता है, अपोज करता है, नाइगेट करता है, जो नाइगेशन ऑपरेटर भी कहते हैं उसको, तो वो अपोजिट कर देता है ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू बना देता है। तो हम जीरो को ट्रू तो नहीं कर सकते, लेकिन हम वो नाइगेशन का इस्तेमाल करते हैं उस पॉइंट पर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने पढ़ना है चेन स्टेटमेंट, लेकिन मे बी हमारे पास दो चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, एक तो वो चेन स्टेटमेंट है, कंपैरिजन तो अभी आगे की कहानी है जो उसने पूछा, दो चीज़ें, एक तो चेन स्टेटमेंट है, दूसरा वो वेरिएबल मेमोरी में कैसे सेव होता है, ये भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम दोनों में से कोई एक चीज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।